हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि इस पृथ्वी का विकास हुए लगभग 10 करोड़ वर्ष हो गए और उसके पश्चात प्रकृति में बहुत सारी उथल पुथल हुई और धीरे धीरे जीव का आगमन इस पृथ्वी पर हुआ और वैज्ञानिकों के अनुसार अब तक लगभग 6 करोड़ वर्ष हुए हैं जब मानव का विकास हुआ और मानव की उत्पत्ति हुई। मानव धीरे धीरे उस समय जंगलों में रहता था, जो भी उसको मिलता था खाता था। उसके बाद आखेट युग हुआ, आखेट शिकार करने लगा, पशु पक्षी जो भी उसको मिलता था उसको खाता रहता था। धीरे धीरे वो गुफाओं में रहने लगा, कंदराओं में रहने लगा, फिर उसने अपना धीरे धीरे घर बनाया और उसके बाद घर बनाने के पश्चात फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने ऐसे पौधों को जंगल से ढूंढा जो खाने के लिए योग्य थे और उन पौधों का संकलन करके धीरे धीरे उन्होंने खेती करना आरंभ किया और उसका नाम आज हम एग्रीकल्चर के रूप में जानते हैं। एग्रीकल्चर विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम ऐसे खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण, कर्षण क्रियाएँ एवं उनका उपयोग उपयोग किया जाता है, जिसमें आपके गेहूँ, धान, गन्ना, मक्का, गन्ना, ये सभी चीज़ें आती हैं। उसके बाद धीरे धीरे एग्रीकल्चर का विकास हो गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। उस जिस प्रकार से मानव को जिस जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ी, धीरे धीरे उन्होंने उसी चीज़ों को खोजना शुरू किया और खोज करते करते आज हम वैज्ञानिक युग में पहुँच गए हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि जो कृषि विज्ञान है हमारा, बहुत आदिकाल से चला आ रहा है। मानव अपने घर के आसपास जो भी थोड़ी बहुत उसने खुदाई करके ज़मीन तैयार की थी, उसमें चीज़ों को बोया करता था और उनसे फिर वो खाता था अपना। जो भी धीरे धीरे उनका विकास होता गया और उसमें अच्छी अच्छी प्रजातियाँ उत्पन्न होती चली गई। तो जो एग्रीकल्चर है, जिसको एग्रीकल्चर हम कहते हैं, उसके अंतर्गत बहुत सारी शाखाएं बाद में विकास के अनुसार बनती गईं। जैसे कि उसमें मृदा विज्ञान आया, पादप विज्ञान आया, पादप रोग विज्ञान आया, उद्यान विज्ञान आया, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इसके अतिरिक्त आपकी प्लांट साइंस, प्लांट फिजियोलॉजी है, प्लांट माइक्रोबायोलॉजी है, प्लांट ब्रीडिंग है। इस तरह से बहुत सारी 10-12 शाखाएँ इसकी एग्रीकल्चर की बनी और उन्हीं में से एक शाखा हमारी उद्यान की भी है, जिसमें मानव को ये पता लगा कि कुछ चीज़ें खाने के लिए, भोजन के लिए ठीक है, लेकिन सब्जी की आवश्यकता थी उसको, तो उसने सब्जी की फसलों को उगाना शुरू किया। फलों की आवश्यकता थी तो उसने फलों की चीज़ों को उगाना शुरू किया। पूजा के लिए फूलों की आवश्यकता थी तो जंगल से उसने फूल इकट्ठे किए और उन फूलों की जो खेती करने लगा। तो इन सब को इकट्ठा करके उसने एक विज्ञान का नाम दे दिया, जिसको हम एक शाखा उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं।